नमस्कार मंडळी, प्राजूस हॉटशॉटमध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. मी प्राजक्ता तुम्हाला करते नमस्कार. आणि आज आपण आलेलो आहोत किला खजुरीमध्ये गुळ बनवण्यासाठी. सो गुळ बनवण्याची प्रोसेस कशी असते हे तुम्हाला मी दाखवणार आहे. आणि ॲक्च्युली काय आहे की अमोलला जायचं आहे तवांगला, आणि तवांगला जात असताना तिथे खूप थंडी असणार आहे, बर्फ असणार आहे. सो आम्ही इथे किला खजुरीमध्ये येऊन आमचे कमरभाई आहे तर त्या कमरभाईंबरोबर हा गुळ बनवून घेतो स्पेशली. आणि तो गुळ आम्ही म्हणजे अमोलला जाताना पाठवतो किंवा आम्ही पोस्ट करते, आणि त्याच्यात अजिबात मसाला नसतो. सो ह्या गुळाचं हे वैशिष्ट्य आहे आणि म्हणून मी इथे आलेले आहे. सो प्लीज, ज्या लोकांनी असे युनिक कंटेंट्स बघितलेले नसतील आणि असे उटपटांग चीजे उत्तर प्रदेश किंवा आणखीन कुठल्या एरियातले बघितलेले नसतील तर सो प्लीज लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा प्राजू इज हॉटशॉट. आणि मी तुम्हाला दाखवणार आहे गुळ कसा बनतो ते. सर्वप्रथम आपण बघतोय की तिकडे ऊस आहे आणि हा ऊसाचा चरखा आहे. त्या ऊसाच्या चरख्याच्या मशीनमध्ये हा रस काढला जातो आणि हा रस काढून हा डायरेक्टली तिथून येतो मध्ये. हे लोक अशा पद्धतीने ऊस घालत आहेत एका बाजूने आणि एका बाजूने हे बघा इकडून हे त्यांची मशीन आहे आणि इकडनं ऊसाचा रस पिळून इथे ही बगासी जमा होते आहे. तर हा जो आहे तो ऊसाचा रस, हा बघा हा माणूस सरख्यामध्ये ऊस घालतो आहे तिथून आणि तो ऊस मिळून या इथे जमा होतो आणि इथून जमा होऊन या पाईपाद्वारे या पहिल्या याच्यात तयार होतो. पहिल्या याच्यामधनं गरम होऊन दुसऱ्या याच्यात येतो, दुसऱ्या याच्यातनं गरम होऊन तिसऱ्या याच्यात, आणि मग तिसऱ्यातून इथे वरती चौथा याच्यात येतो. त्याच्यात फायनल प्रोडक्ट असतं. अयुब भाई, हाँ ये प्रोसेस कैसी होती है हमें बताइए ना, ये क्या करते हैं? ये रस जो है एक कहाँ से दूसरे कहाँ मिला है, चार कहाँ होते हैं. ओके, पहले उधर गन्ना पीलता है. हाँ, और उसके बाद में यहाँ आता पहले कहाँ में, फिर दूसरे कहाँ में, ओके, फिर तीसरे में, ओके, फिर यहाँ बनता है. अच्छा, वो पकता. हाँ, फिर इसके बाद में इसमें से इसमें पहुँचता है, यहाँ ठंडा होता है. ठंडा होने के बाद में ये 5-5 किलो के चौथे बनते हैं. ठीक है. अच्छा, इस तरीके से. ये बिना मसाले की गुड़ है. अच्छा, और बिना मसाले की गुड़ कैसे पहचानी जा सकती है? मसाले की गुड़ का रंग जो होगा वो इस तरह से थोड़ा काला होगा. अच्छा, ये मतलब मटियाला सा. अच्छा, और जो मसाला होगा तो बिल्कुल वाइट गुड़ होगा. अच्छा, और मसाले की गुड़ जो है. हाँ, जो बिना मसाले की गुड़ खाओगे आप. हाँ, तो उसमें पेट खराब नहीं होगा कभी भी, पेट की सफाई होगी. अच्छा, अगर रोज आप थोड़ा गुड़ खाओगे खाने के बाद बिना मसाले, अच्छा, तो उससे आपका पेट भी साफ रहेगा और बहुत फायदा. मसाले की गुड़ जो है कभी कभी पेट खराब कर देगी. अच्छा अच्छा, इसलिए लोग बिना मसाले की गुड़ खाना पसंद करते हैं. सितंबर को हुआ है. हाँ, और पूरे महीने, 7 महीने. अच्छा, 8 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई. हाँ, 8 महीने कोल्ड चलता है. अच्छा, ओके. और फिर उसके बाद में बीच में मई से सितंबर क्या करते हैं फिर आप? उसके बाद में तो अपना फिर गन्ने के, अपना आदमी जो खेती करते हैं यहाँ. हाँ, हम सब लोग गन्ने की खेती होती है, गन्ना, सरसों और गेहूँ. अच्छा, उसे गन्ने को पैदा करते हैं उसके बाद में. अच्छा, और ये यहाँ पे ये जो ये है क्या है ये बताइए ना? ये इसे बोलते हैं सुप्लाई. सुप्लाई, ये गन्ने के गुड़ का मैल निकालती है. अच्छा अच्छा, कूट के केमिकल भी आता है. अच्छा, लेकिन केमिकल नहीं डालते. अच्छा अच्छा, ये सुप्लाई होती है, इसे कूट के इसमें डालते हैं तो इसका जो मैल होता है. हाँ, वो सब मैल ऊपर आ जाता है. अच्छा, जैसे कभी कभी हम चाशनी गुड़ की चाशनी बनाते हैं तो उसमें दूध डालते हैं. सही है, तो उसका जो ऊपर मैल होता है उसे निकाल लेते हैं. अच्छा, इसका काम रस का मैल निकालना. अच्छा, ऐसे. ओके, अभी आपको दिखाएंगे. और कितने सालों से ये चल रहा है आपका? हमने तकरीबन 2017 से. 2017 से पहले हमने 2-3, 4, 5, 6, 7 महीने कोल्ड चला रहा था. अच्छा, लेकिन 2017-18, 18-19, 20-21 जैसे सितंबर में चलता है. अच्छा अच्छा, तो फिर सितंबर में चलता है तो जैसा चल रहा है 22 हफ्ते. हाँ, 3 महीने आप चलेगा. हाँ, और फिर उसके बाद में 5 महीने 24. अच्छा, और ये जो आपने ये पूरा गोल दिखाया वहाँ पे, तो वो गोल में कितना ये बनता है, मतलब कितने किलो गुड़ एक समय में बनता है? तकरीबन 55 किलो से और 75 किलो. अच्छा, 80 किलो का गुड़ बन जाता है. अच्छा अच्छा, नीचे डलने मतलब जलने के लिए क्या डालते हैं हम? ये जो कढ़ाइयाँ खोई, 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 जो इसमें से गन्ने में से तो रस निकल के यहाँ, जो ये बगासी. हाँ, उसको खोई में सूखती है. अच्छा, मतलब ये सूख के फिर जलती है? अच्छा अच्छा, कोई. थैंक यू वेरी मच अयुब भाई, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. और अब हम गुड़ लेने वाले हैं आपसे. ये वहाँ से पिल के रस पहुँचता है, यहाँ यहाँ पर रहेगा, फिर यहाँ से उसमें गुड़ बनती है. और ये कालिक निकलेगी कब? ये कालिक इसकी जो है जी, वो मैल वो डलेगी सुपड़ाई जो आप पूछ रहे थे अभी. हाँ हाँ हाँ, यहाँ से सुपड़ाई. ओके, इसका मैल निकलेगा. अच्छा,
ओके समझ गई। अच्छा ओ हो समझी। अच्छा समझी, समझ में आता है, ये पक गया। अगर वो नहीं डलेगा देखो नीचे पहुंच गई। हाँ नीचे पहुंच गई, और भी नीचे पहुंचेगी ये। अच्छा फिर इसके बाद में अब डेढ़ मिनट बाद लगभग ये गुड़ बन गया। अच्छा कमर भाई आपने तो वकीली की एग्जाम दी है ना? नहीं मैंने तो बीएससी की। अब बीएससी की, तो बीएससी के बाद में ये करने का कैसे सोचा? बस बीएससी के बाद एक्चुअली ऐसा हुआ कि राशन की दुकान जो होती है हाँ। मैंने वो चलाई हाँ हाँ लगभग 20 साल हाँ। फिर वो इत्तेफाक एक ऐसा मोड़ आया हाँ। कि वो ग्रस्त हो गई। अच्छा फिर आर्मी में आया। अच्छा फिर उसके बाद पापा के साथ हाँ फिर खेती कर लेंगे। खेती के साथ ये था कि थोड़ा कुछ ना कुछ और भी थोड़ा सा हाँ हाँ। अच्छा सही है। और इनकी अंदाजे दिहाड़ी क्या होती है काम मजदूरों की? ये हैं 50 किलो 50 किलो को हाँ 50 किलो जैसे ये बना है हाँ हाँ यानी कि 75 रुपये। अच्छा ले लें इनके काम कर रहे हैं। अच्छा 75 रुपये इनके हो गए हाँ 75 रुपये वो जो उधर से झोंक रहे हैं उनके हो गए। अच्छा 75 रुपये वो जो काम कर रहे हैं उनके। अच्छा लगभग 225 रुपये इसके बनने के लेबर का खर्चा है। 8 किलो है 60 किलो है। इसके जो लेबर बैठी लेबर के जो पैसे बने हैं 250 पकड़ लो वो 225 रुपये लेबर के लेबर के बाप रे 40 किलो 1 घंटा। अच्छा 125 रुपये क्विंटल है। अच्छा 1 किलो को बनाने के 125 रुपये हाँ हर चिंता बराबर मतलब 250 रुपये पर हाँ, इसमें सवा मतलब 7.5 रुपये 1 किलो के पीछे इनका ये लेबर का हो गया। लेबर का हो गया। क्विंटल गन्ने के रस से कितना गुड़ बनेगा? 5 क्विंटल में और 1 बंदर का 5 क्विंटल में 40 किलो ओके। तो ये मान के चलो कि 5 क्विंटल में से लगभग 8 किलो गुड़ 1 क्विंटल से ये तैयार हो गया। सो आम्ही 5 किलो गुळामध्ये साधारण 200 ग्रॅम सुंठ पावडर टाकत आहोत सो दॅट त्याने आम्हाला जसा पाहिजे तसा आले पाकासारखा फ्लेवर येईल। आणि तुम्हाला काय सांगू इथे मस्त सुवास येतोय त्या सुंठ पावडरला मिक्स झाल्यानंतर। हा त्यांचा वेगळा गुळ आहे आणि हा आपण सौंठ स्पेशल गुळ आपल्यासाठी बनवून घेत आहोत। सही बात है। चिकू कसा आहे गुड़? यम यम चिकू यम यम ना
तुला गुड़ आवडला? सो आय होप राजूज हॉट शॉटचा आजचा व्हीलॉग आपल्याला आवडला असेल, आणि आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा राजूज हॉट शॉट. आणि मी बनवलेला गुड़ घेऊन जाणार आहे घरी, आणि तुम्हीसुद्धा बघत रहा आणि आस्वाद घेत रहा तुमच्या आवडत्या व्हीलॉगमधना राजूज हॉट शॉटमधना. मी प्राजक्ता तुम्हाला करते आहे बाय बाय. काळजी घ्या, मस्त रहा आणि एन्जॉय.